भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर बेनीगंज स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 42 वर्षों से राष्ट्र सेवा को समर्पित राष्ट्रीय निष्ठा सिद्धांतों और विचारधारा के बल पर देश में सुशासन देने वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण एवं शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद भी किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों तपस्वी कार्यकर्ताओं का अनुकरणीय दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर उन सभी महानुभाव एवं अथक परिश्रम करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता को नमन करता हूं, जो अपने त्याग समर्पण और निस्वार्थ सेवा से भारतीय जनता पार्टी को इन बुलंदियों तक पहुंचाया है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अंकित मिश्रा, सत्यार्थ मिश्रा, बच्चा पांडे, पद्मा गुप्ता, अनुपमा पांडे सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों की जय, बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आप कल्पना करें सुख का मतलब क्या, किस
ये हम सबको ठीक ढंग से समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी की का स्थापना की स्थापना किन लक्ष्यों को लेकर, किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? आखिर 1000 वर्ष की गुलामी के कालखंड के बाद हजारों हजारों नौजवानों ने फांसी के फंदे को चुमा था। पटना से लेकर दिल्ली तक दोनों तरफ इमली के पेड़ थे, दोनों सड़क के किनारे, और कोई भी इमली का पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर लोगों की फांसी न चढ़ी हो, लोग लटकाए न गए हों। 1000 वर्ष की गुलामी के कालखंड में और 1000 वर्ष की गुलामी में भारत का कोई भी नौजवान गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं। उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ था और आजादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बन गई थी। लेकिन जिसका जिनका चित्र हम सब जिनका नारा लगा रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत के उद्योग मंत्री बन गए थे। कमेटी हॉल से, एनएक्सी के कमेटी हॉल से जुड़े हुए भारत सरकार के सभी मंत्री और हमारे सांसदगण और सभी प्रदेशों के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी जिला के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी मंडल के कार्यकारिणी के सदस्य और लगभग 15,732 मंडलों से जुड़े हुए हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और लगभग 8 लाख से ज्यादा बूथ पर जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और ये हम सब के लिए सुअवसर है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में अपने जीवन को लगाया है और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से और आप सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जब हम स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आए की ओर से और प्रधानमंत्री के सूझबूझ और मार्गदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के छवि को बदलने में भी हम सब लोगों ने पांचवी तिथि में आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना देता। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त करे। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, नरसिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूति
भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सबके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस तीन वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है, तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौट गई। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची, यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना। जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों तपस्वी कार्यकर्ताओं के लिए यह एक बहुत ही अनुकरणीय दिन है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। और आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 बजे सभी मंडलों में इकट्ठा होकर के, सभी जिला मुख्यालयों को इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण किए हैं। और आधे घंटे के लिए हम सब प्रभात फेरी निकालेंगे। प्रभात फेरी निकालने के बाद वापस आ करके फिर 9:45 बजे अपने स्थान पर इकट्ठे हो जाएंगे। और 10 बजे से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर उनका लाइव कार्यक्रम होगा, 1 घंटे का उद्बोधन होगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जहां सभी मंडलों में सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आज सुनेंगे, वहीं हमारे सभी बूथ पर भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यकर्ता के घर इकट्ठे होकर के टेलीविजन पर लाइव कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। और इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को एक उत्साह के तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं।